हेलो नमस्कार आज हम देखिए फ्लैप वाला कैप बनाएंगे ये हमारा फ्लैप वाला कैप है इसको मैंने वन रो रिपीटेड करके इसको इतने कैप को बनाया है इसमें मैंने बस वन रो ही रिपीट करी है और ये बहुत सरलता से इजी वे में मैंने बताया है बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना पाएंगे और हमने यहाँ पर फ्लैप बनाया है देखिए ये बच्चे के माथे पर इस तरीके से आएगा फ्लैप इस तरीके से आप देख सकते हैं और ये बच्चा पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है बच्चा बहुत क्यूट लगता है इसको पहनने के बाद आज हम इस कैप को बनाएंगे और आप भी मेरे साथ बनाएं और चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करें मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो इसे बनाने के लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया है ये ओसवाल का ऊन है और मैंने नौ नंबर की सिलाइयाँ ली हैं तो चलिए हम अपने फंदे डालने शुरू करते हैं ये मेरा लच्छी वाला ऊन है गुल्ले वाला ऊन नहीं है तो इसमें हम ट्वेंटी टू स्टिच के लिए धागा ले लेंगे ज़्यादा बड़ा धागा नहीं लेंगे और हम अपने फंदे डालना शुरू करेंगे तो देखिए मैं फंदे कैसे डालती हूँ जो कोने वाला साइड है छोर वाला साइड है वो हम लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ और अपने अंगूठे को इस तरीके से निकालेंगे नीचे से और इस निडिल को यहाँ से डालेंगे गुल्ले वाली साइड के धागे को इसके पीछे से लाएंगे और यहाँ से घुमा देंगे देखिए हमारे बिना नोट लगाए ही फंदे डल गए दो फंदे हो गए हमारे यहाँ पर तीन हो गए चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस बाईस फंदे मैंने डाल लिए हैं यहाँ पर बाईस फंदे डालने के बाद ये पहली जो सलाई है मेरी ये उल्टी साइड से आती है तो मैं इस सलाई को सब फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ पहले सिलाई को सावधानी के साथ बुने क्योंकि फंदे टाइट होते हैं थोड़े से निकलने का डर रहता है देखिए, जो हमारा लास्ट का फंदा बचा है धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे इस तरीके से हमारी पहली सलाई कंप्लीट हो गई ये हम सीधी तरफ आ गए, सीधी तरफ से भी हमें पहले फंदे को बिना बुना ले लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे ये वन रो रिपीटेड कैप है इसमें सिर्फ एक ही रो को रिपीट होता है देखिए सभी फंदे बुन लिए लास्ट का फंदा बचा हमारा धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे इसी को हमें आगे रिपीट करते हुए अपना इसको कंप्लीट करना है पहले फंदे को बिना बुना लेंगे और सभी बीच के फंदों को उल्टा बुनेंगे ध्यान रहे लास्ट के फंदे को पहले फंदे को बिना बुना लेना है और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है सिलाई शुरू करते समय पहले फंदे को बिना बुना लेना है और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है बस इसी को रिपीट करते हुए हमें अपने इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है देखिए लास्ट का फंदा बचा, धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे बस इसी को रिपीट करते हुए हम अपने इसको प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू बनाएंगे तो मैं बना लेती हूं देखिए हमने इतना बुन लिया है ये अब हम इसमें लाइनें सलाइयाँ काउंट कर लेते हैं कितनी सलाइयाँ करी हैं तो जो ये लाइनें बनी हुई दिख रही हैं आपको हम इनको काउंट कर लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू ये हमारी फोर्टी टू लाइन इस तरीके की हैं और इसमें हमारी कंप्लीट दोनों तरफ से एटी फोर सलाइयाँ हमारी इस तरीके से बन के तैयार हुई हैं तो अभी हमें क्या करना है इन फंदों को बंद करना है इतना बुनने के बाद आप इन फंदों को बंद कर लें तो बंद कैसे करेंगे दो फंदों का एक करेंगे फिर इस वापस इस फंदे को वापस सिलाई में लेंगे फिर दो फंदों का एक बुनेंगे फिर इस फंदे को वापस सिलाई में फिर दो का एक इस तरीके से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे और लास्ट के फंदे को हम ऐसे ही रहने देंगे उसको अभी यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे उसमें इस तरीके से मैं बंद कर लेती हूँ बाकी फंदों को देखिए हमने अपने फंदे बंद कर लिए हैं और लास्ट के फंदे को हमने सिलाई में ही रहने दिया है अब हमें क्या करना है देखिए जो हमने पहला फंदा बिना बुना लिया था और लास्ट का फंदा हमने धागा पीछे करके सीधा बुना था उससे हमें एक किनारी जैसी मिलती है इस तरीके से ये हमें किनारी जैसी मिलती है तो अब हमें क्या करना है इस एक प्रत्येक एक किनारी से ये जो जो हमारी इस तरीके का डिज़ाइन मिला है ये चेन जैसा एक चेन से हम एक फंदा उठाएंगे धागा पीछे कर लेते हैं इस तरीके से एक चेन से हम एक ही फंदा उठाएंगे। मैं इसीलिए बार बार आपसे बोल रही थी कि आप पहला फंदा बिना बुना लें और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएं तो उससे हमें एक प्यारी सी चेन मिलती है और उसमें से फंदे उठाना बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से एक चेन में से हम एक फंदा उठाएंगे तो हम सभी यहाँ तक तो जितनी भी हमारी चेन है उसमें से फंदे उठा लेते हैं देखिए यहाँ पर मेरे 45 फंदे बने हैं ये सारे तो मैंने 22 फंदे इधर रखे हैं 22 फंदे इधर रखे हैं और जो बीच वाला फंदा है उसे मैंने अपना मार्कर लगा लिया है तो इधर से देखिए पहली रो जो है मेरी वो उल्टी साइड से आएगी तो मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूँगी लेकिन हमें वही ध्यान रखना है पहला फंदा बिना बुना लेना है और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है तो मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूं लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके हम सीधा बुनेंगे ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टी साइड से ये हमारी सीधी साइड आ गई तो सीधी साइड क्या करना है पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे मार्कर तक के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ये मेरा मार्कर है इसमें और उसके एक फंदा पहला और एक फंदा बाद का बीच वाले फंदे को हम सबसे ऊपर लेंगे और एक साइड वाला और एक इधर इन तीन फंदों को हम तीन का एक करेंगे तो बीच वाले फंदे को हम सबसे आगे ले लेंगे इस तरीके से और धागा पीछे करके अगर आपको यहां पर फली बनानी है सीधा फंदा बनाना है तो आप यहां पर इस धागा पीछे करके सीधा बना दें लेकिन अगर आपको सीधे सीधे गांठे बनानी हैं तो इसको इसी तरीके से रहने दें और तीन का यहाँ पर एक कर दें तीन फंदों का एक कर दें इससे क्या होगा अगर हम सीधा फंदा बुनेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर फंदे घटाए हैं अलग से ही दिखाई देगा लेकिन जब हम इस तरीके से बुनते हैं तो ये हमें दिखाई भी नहीं देता है और हमारा पैटर्न बड़ी खूबसूरती के साथ बनता है मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूं उल्टी तरफ से हमें कुछ नहीं करना उल्टी तरफ से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है हम सीधी तरफ आ गए सीधी तरफ पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और मार्कर तक हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे मार्कर से पहले हमें एक फंदा और छोड़ लेंगे ये वाला फंदा हमारा बीच का है एक फंदा और बनाएंगे ये वाला फंदा हमारा बीच का फंदा है जिसपे हमने मार्कर लगाया हुआ है एक फंदा बीच वाले फंदे का एक इधर का और एक इधर का इन, हम इन तीन फंदों को तीन का एक करेंगे इस तरीके से देखिए इसी तरीके से हम इसको दोहराएंगे उल्टी तरफ से हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है सिर्फ उल्टे फंदे बुनने हैं और सीधी तरफ से हमें बीच वाले फंदे पर जहाँ पर हम फंदे घटा रहे हैं बीच वाले फंदे पर एक इधर का फंदा और एक इधर का फंदा घटाते हुए हमें जब तक फंदे घटाने हैं जब तक हमारे तीन फंदे नहीं रह जाते तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ देखिए हमने फंदे बंद करते करते ये तीन फंदे बचाए हैं यहाँ पर हमारे फंदे ये तीन का एक करते हुए हमने ये इस तरीके से बनाया है इस तरीके अब हम इन तीन फंदों को पट्टी बनाएंगे बांधने के लिए अब हम इन तीन ही फंदों को बार बार बुनते हुए इसकी एक पर्याप्त पट्टी बना लेंगे जितनी बड़ी हमें चाहिए इस तरीके से ये एक बंधी बंधी हुई पट्टी आएगी पतली सी इसी तरीके से हमें जितनी भी लंबी पट्टी चाहिए उतनी लंबी बना लेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर फंदे उठाए थे और बीच के फंदे से हमने यहाँ पर दो तीन का एक बनाते हुए हमने इनको कम किया है सेम इसी तरीके से हम इधर के फंदे भी उठाएंगे इधर के भी फंदे हम ऐसे ही उठाएंगे और सिर्फ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको बुना है वैसे ही हम इनको इधर की साइड को बनाते हुए इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो सेम इसी को हम इधर फॉलो करेंगे तो मैं अपना सेकेंड पार्ट भी इधर का बना लेती हूँ देखिए मैंने दोनों तरफ का कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से इस साइड का भी और इस साइड का भी ये दोनों साइड हमारी इक्वल है दोनों साइड हमारी बराबर है तो एक साइड को हम गर्दन वाली साइड करेंगे और एक साइड को हम माथे वाली साइड करेंगे तो जो हमारी गर्दन वाली साइड है उस पर हमें पट्टी बनानी है तो हम हमें क्या करना है सबसे पहले तो हम यहाँ पर धागा जोड़ेंगे ऊन को जोड़ लेंगे हम उल्टी साइड से ये हमारी सीधी साइड है तो उल्टी साइड से हम यहाँ पर ऊन जोड़ लेंगे हमने उल्टी साइड से ऊन जोड़ लिए और देखिए जो हमने चैन बनाई थी ये पहला फंदा बिना बुना लिया था और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुना था तो उससे हमारी एक चैन सी बनी है किनारे पे तो हम प्रत्येक चैन में से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पर जो हमारे फंदे थे जितने फंदे थे हमारे यहाँ पर यहाँ पर हम उतने ही फंदे उठा लेंगे और फिर इधर से जितनी चैन है हमारी उन चैन में से हम एक एक फंदा उठा लेंगे तो मैं फंदे उठाना शुरू करती हूँ हमें प्रत्येक चेन से बस एक ही फंदा चाहिए जो हमारे पर्याप्त होंगे इस तरीके से इस तरीके से मैं अपने सभी फंदे यहां तक उठा लेती हूँ यहां तक पूरे पूरे में से फंदे दूसरी जहां तक पट्टी आ रही है मेरी वहां तक अपने फंदे उठा लेती हूँ देखिए मैंने अपने सभी फंदे उठा लिए हैं यहां पर फंदे उठाने के बाद ये मेरी उल्टी साइड है तो हमें जिस तरीके से हमने दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए हमने ये इस तरीके का बनाया है उसी तरीके का हम यहाँ पर एक पट्टी बना लेंगे तो ये मेरी फर्स्ट रो है तो इधर से मैं सभी फंदों को उल्टा, उल्टा उल्टा बुनूंगी सभी फंदे बुन लेंगे हम उल्टा उल्टा देखिए फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट का फंदा बचा तो हम इसे क्या करेंगे इस फंदे को और एक इधर से एक फंदा इधर से ले लेंगे तो इन दोनों को हम साथ में बुनेंगे तो ये हमारी जुड़ी हुई सी पट्टी लगेगी ये पट्टी हमारी इसमें साथ जुड़ती जाएगी ये जो है अगर हम इसमें नहीं जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल अलग अलग सी हटी हुई सी लगेगी अब ये हमारी सेकेंड रो हो गई तो इधर से भी हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है और लास्ट के फंदे को इसी तरीके से जोड़ते हुए बुनना है जैसे मैंने अभी बुना सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से देखिए इस साइड भी हमें इसी तरीके से जैसे लास्ट का फंदा है तो एक फंदा हम इधर से ले लेंगे इस तरीके से और इन दोनों को एक साथ बुन देंगे तो ये हमारी पट्टी इसमें जुड़ जाएगी अब अपनी वापस उल्टी सिलाई करेंगे इसी तरीके से हम अपनी पट्टी को बनाकर कंप्लीट करके सभी फंदों को बंद कर लेंगे तो मैं अपनी पट्टी यहाँ पर जितनी भी मुझे चाहिए मैं अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ हमने अपनी गर्दन की साइड पर ये बॉर्डर बना लिया है कंप्लीट कर लिया है अब हम यहाँ पर फ्लैप बनाएंगे तो फ्लैप बनाने के लिए देखिए बाईस फंदे तो हम बीच से उठाएंगे जो हमारी ये वाला पोर्सन है जो ये वाला पोर्सन है जो बाईस फंदे थे हमारे हम बाईस फंदे तो हम यहां से लेंगे और छः फंदे इधर से और छः फंदे हम नीचे वाली साइड से उठाएंगे तो ये हमारे टोटल थर्टी फोर फंदे इसमें हो जाएंगे जिसमें पर्याप्त हमारा छोटे बच्चे के लिए फ्लैप परफेक्ट आएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमें फंदे यहाँ पर एक चेन से एक ही उठाना है तो हम देख लेते हैं सिक्स चेन हमारी कहाँ पर आ रही हैं एक दो तीन चार पाँच छः ये हमारी छठी चेन है तो हम यहाँ से फंदे उठाने शुरू करेंगे मैं धागा नीचे से जोड़ूंगी इसमें क्योंकि ऊपर नोट अच्छी नहीं लगेगी धागा जोड़ने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदे हमने इधर से उठा लिए हैं बाईस फंदे हम बीच में से उठाएंगे जो ये हमारी बीच वाला पोर्शन है अब छः बाईस फंदे हम यहाँ से उठाएंगे फिर छः फंदे हम इधर से उठा लेंगे तो यहाँ से देखिए हम फंदे कैसे उठाएंगे जो हमने फंदे डाले थे तो उससे एक किनारी जैसी बन जाती है ये तो हम उसमें से फंदे उठाएंगे इस तरीके से एक फंदे के लिए हमारी एक किनारी बनती है तो हम उसी में से फंदे उठा लेंगे इस तरीके से यहां पर हमने अपने थर्टी फोर फंदे पूरे उठा लिए चौतीस फंदे हमने उठा लिए हैं यहाँ इस तरीके से और पहली सिलाई मेरी उल्टी साइड से आएगी तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे उल्टी तरफ से सभी फंदे उल्टे बनाएंगे हम इस तरीके से उल्टी तरफ से हमने सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन लिया है अब ये साइड हमारी सीधी है तो सीधी साइड पे पहला फंदा बिना बुना लेंगे धागा पीछे करके सभी फंदों को सीधा बनाएंगे इसमें सीधी तरफ से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है लेकिन आप ध्यान से देखें ये फ्लैप है तो हमें इसकी छटाई भी साथ-साथ में करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी आप साथ, साथ देखते रहें और बनाते भी रहें देखिए यहां पर मेरे ये दो फंदे बचे गए इस सिलाई में तो हम इनको यहाँ छोड़ेंगे और यहां से ही हम वापस हो जाएंगे सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे इधर भी हमने दो फंदे छोड़ दिए हैं हमारे दो फंदे हमने पहले इधर छोड़े थे अब हम दो फंदे इधर छोड़ेंगे और यहाँ से ही हम वापस हो जाएंगे ये हम अपने फ्लैप की छटाई कर रहे हैं सीधा बुनेंगे और इस सिलाई पर भी हम दो फंदे छोड़ेंगे जब हम उल्टी तरफ से आएंगे तो इधर फिर हम दो फंदे हम पहले छोड़ चुके हैं फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे हर सिलाई में हम दो दो फंदे तरीके से छोड़ते चले जाएंगे और अपने इसको बीच वाले फंदों को बुनते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये मैं आगे बताती हूँ कि हमने कितने फंदे दो दो करके छोड़े हैं और हमने बीच में कितने फंदे रहने दिए हैं चलिए मैं और एक बार आपको बता देती हूँ देखिए पहले हमने दो फंदे छोड़े थे इस बार भी हम दो फंदे छोड़ेंगे तो इस बार हमारे इधर चार फंदे हो जाएंगे इसी तरीके से पहले हमने इधर दो फंदे छोड़े थे जब हम इधर से बुनते हुए आएंगे तो हम इधर चार फंदे छोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे फिर आठ इसी तरीके से दो चार छह आठ इसी क्रम में हम इनको घटाते रहेंगे लेकिन हमें सभी फंदे नहीं घटाने हैं आप जुड़े रहे मेरे साथ और मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने कितने फंदे की छटाई करी है इसमें देखिए हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पाँच बार हमने दो दो फंदे करके ये छोड़ दिए हैं और पाँच ही बार हमने इधर दो दो करके फंदे छोड़ दिए हैं बीच में हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात चौदह फंदे हमारे बीच में इस तरीके से बचे हैं तो अब हम इसकी जो छटाई करिए अब हम इसको फिर से पलटेंगे तो देखिए जब हमने इधर फंदे ये पांच में पाँच बार हमने हमारे पूरे हो गए दो चार छः आठ दस इस तरीके से हमने पांच बार छोड़ दिए और हमारा धागा इधर है तो हम जब इधर से वापस जाएंगे, ध्यान से देखें मैं क्या करने वाली हूँ चौदह फंदे बुनेंगे हम चार फंदे बुलिए हैं मैंने पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फंदे मैंने बीच वाले बुन लिए अब इधर के जो दो फंदे हमने छोड़े थे अब हम उनको भी साथ साथ में बुनेंगे पहले हमने छोड़े थे अब हम इनको साथ में बुनेंगे दो फंदे बुन लिए मैंने यहां से ही वापस हो जाएंगे एक बार में हमें बस दो फंदे ही बुनने हैं यहां से वापस हो जाएंगे सोलह फंदे बुनेंगे पहले हम बीच के बीच के सोलह फंदे बुन लिए हैं मैंने ये अब इधर के जो हमने फंदे छोड़े थे ये इसमें से हम दो फंदे इस बार बुनेंगे ये हमारे अठारह फंदे हो गए बीच में यहां से ही वापस हो जाएंगे देखिए अठारह फंदे हमने बुन लिए अब ये फिर से हम दो फंदे इधर बुनेंगे एक दो ये हमने बुन लिए यहां से ही वापस हो जाएंगे वापस होने के बाद बीच के फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे के फंदे हमने बुन लिए इस तरीके से अब फिर हम इधर के दो फंदे और बुनेंगे इस तरीके से हम दो दो फंदे बुनते हुए चले जाएंगे जैसे जैसे हमने फंदे छोड़े थे उसी तरीके से हम इन फंदों को बुनते चले जाएंगे जब हम इधर से आएंगे तो फिर हम दो फंदे और बुन लेंगे जब हम इधर से आएंगे तो हम ये दो फंदे और बुन लेंगे जैसे हमने छोड़े थे वैसे ही दो दो फंदे हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे और ये हमारा फ्लैप भी देखिए मुड़ना शुरू हो गया है इस तरीके से तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखा हमने अपने सभी फंदे जितने भी दो दो करके छोड़े थे सभी को हमने देखिए इस तरीके से बुन लिया है अब हम इन सभी फंदों को बंद करेंगे लेकिन टाइट हाथ से बंद ना करें ढीले हाथ से इन सभी फंदों को बंद करेंगे दो का एक फिर इस फंदे को वापस सलाई में फिर दो का एक फिर इस फंदे को वापस सिलाई में और फिर दो का एक इसी तरीके से हम अपने सभी फंदे ढीले हाथ से बंद करेंगे इस तरीके से देखिए हमने अपने सभी फंदे बंद कर लिए हैं अभी ये जो साइड हमारी खुली हुई है यहाँ से बीच से हम हमारा जो फ्लैप हमारा है ये है इस तरीके से हम इसको यहाँ पर टक कर देंगे इन खुले हुए फंदों को हम यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी किनारी है ये यहाँ पर इसको टक करेंगे इस तरीके से तो मैं सुई ले लेती हूँ ये धागा मैंने अभी तोड़ा नहीं है तो हम जितना हमें सिलाई में धागा चाहिए उतना धागा लेकर के बाकी धागे को हम कट करेंगे और सुई में डालेंगे अब देखिए जो हमारा ये फ्लैप है इसको बीच से मोड़ेंगे और इस किनारी को इसके साथ लेते हुए जहां से हमने फंदे उठाए थे उस किनारी के साथ लेते हुए हम इसको यहां पर टक करते जाएंगे नहीं है बिल्कुल आराम से इसको सिलना है इस तरीके से आप चाहें तो बीच में एक आ, मार्कर भी लगा लें जिससे हमारा सेंटर का पता रहे लेकिन मैं इस, इसको ऐसे ही सिल रही हूँ इस तरीके से हम इसको टक कर लेंगे सभी को जैसे हमने ये सिला है ऐसे ही इसको भी हम सिल लेंगे। देखिए हमारा फ्लैप बन के रेडी हो गया है इस तरीके से और हमारा कैप भी कंप्लीट हो गया है देखिए हमारा कैप फ्लैप वाला कैप बन के रेडी हो गया है आप बनाएं सभी फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और सभी फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू